टीवी का सबसे पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों सभी को पसंद आ रहा है। ऐसे में इस शो की शुरुआत आज नायरा और कार्तिक के झगड़े से होने वाली है। जी हाँ, नायरा और कार्तिक दोनों गुस्से में हैं और दोनों खूब झगड़ते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर उनकी शादी की तस्वीर पर पड़ती है जिसमें कायराव ने अपनी फोटो चिपकाई थी। वहीं ये देखने के बाद दोनों हैरान रह जाते हैं कि जब वो झगड़ रहे थे तो कायराव वहीं था। वहीं दोनों घबराकर कायराव को ढूंढने निकल पड़ते हैं और कायराव कमरे में टेबल के नीचे छिपकर रो रहा होता है। उसके बाद कार्तिक और नायरा उससे रोने की वजह पूछते हैं तो वो बताता है कि आप दोनों हमेशा झगड़ते रहते हैं। उसके सवाल पर दोनों कहते हैं कि हम कचौड़ी के लिए झगड़ रहे हैं, लेकिन कायराव कहता है कि आपका झगड़ा कचौड़ी के लिए नहीं था, मैंने सब सुन लिया। वहीं उसके बाद नायरा बहाने से उसे समझा देती है और नायरा कार्तिक और कायराव को साथ खुश देखकर वेदिका परेशान हो जाती है। वहीं बड़ी दादी नक्श और देवयानी यह कहती है कि तीज आ रही है और ऐसे में नायरा का वहां रहना ठीक नहीं है, लेकिन नक्श और देवयानी उन्हें समझाते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वो मान जाती है, लेकिन तभी देवयानी को ये याद आ जाता है कि तीज आ रहा है और वेदिका का फास्ट होगा, ऐसे में उसके मायके से शगुन आना है और उसका मायका तो हम हैं और हमें शगुन भेजना होगा। वहीं नायरा और कार्तिक एक दूसरे की पुरानी यादों में खो जाते हैं और खूब रोते हैं। उसके बाद कार्तिक की माँ नायरा को और कार्तिक के पापा कार्तिक को देखकर परेशान है। वहीं दादी वेदिका को देखकर परेशान है और दादी वेदिका से कहती है कि वो तीज की तैयारी करे। घर में तीज की तैयारियां देखकर नायरा और कार्तिक परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टीवी जगत से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट गॉसिप्स के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी पंचायत। शुक्रिया।